हेलो फ्रेंड, सबको नमस्ते। पूजा की सिंपल किचन में आप सबकी स्वागत है। आज हम बनाएंगे छोले भटूरे, तो इसीलिए हम ये छोले को पूरे रात भिगो के रख दिए थे। उसके बाद इसको सीटी लगा दिए, उसमें दो आलू भी डाले हैं। और हम जो मसाला डालेंगे उसमें है ये एक मीडियम साइज़ की प्याज, एक टमाटर, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। इस सब मसाला को हम अभी पीस लेंगे, सिर्फ टमाटर और प्याज को छोड़ के। अभी मेरा कढ़ाई गरम हो गया है, इसमें तेल दे देंगे। अभी हम इसमें दे देंगे जीरा और थोड़ी सी गरम मसाला, इसको उठा लेंगे। उसके बाद इसका मसाला बनाएंगे। अब इसमें दे देंगे प्याज, प्याज को अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद डालेंगे टमाटर, इसमें थोड़ी नमक, हल्दी ये सब डाल देंगे। हल्दी, नमक, हम इसमें टमाटर डाल देंगे। तो टमाटर मेरा गल गया, अभी वो बाकी सब मसाला डाल देंगे, जैसे जीरा, अदरक, लहसुन, मिर्ची का जो पेस्ट बना रखा है वही डाल देंगे। अभी इसमें थोड़ा सा पानी दे देंगे, अच्छे से भूनेंगे इसको। मसाला अभी मेरा भून चुका है, अभी इसमें दे देंगे वो छोला और आलू। अच्छे से पकाएंगे। अभी मेरा ये छोला पक चुका है, मतलब इसका मसाला पूरा कढ़ाई में चिपक रहा है, तो समझ लीजिएगा ये पक गया। अभी इसमें गर्म पानी डाल देंगे। गर्म पानी दे दिए है, इसमें हम ऐसे लाल मिर्च नहीं डाले, ऐसे हरा मिर्च ही डाले हैं। लाल लाल जो मिर्ची होता है ना, उसको ही डाल दिए हैं। एक्स्ट्रा करके कोई और लाल मिर्च का पाउडर नहीं डाले। अब ये पक जाए तो उसके बाद गरम मसाला डाल के उतार देंगे। ये मेरी छोले भटूरे अभी रेडी हो ही चुका है। अभी इसमें वो जो जीरा और गरम मसाला भून के रख दिए थे उसका जो पेस्ट बनाए हैं वो डाल देंगे। अभी थोड़ी सी दो तीन मिनट बाद इसको उतार लेंगे, बस हो जाएगा हमारा ये छोले भटूरे। अगर मेरे ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल में नया हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू।